वेरी सॉरी, आपको हमारा वेट करना पड़ा। हाँ वो तो है, ज्यादा कुछ नहीं, हमें बस छोटे मोटे बदलाव करने हैं। गोसुगुले पर कोई असर ना पड़े तो ठीक है। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि इससे चीजें और बेहतर हो जाएंगी। जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। हम दूसरी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, एक लोकल कंपनी। मुझे नहीं पता कि आप उस कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, पर उस कंपनी ने काफी प्रोग्रेस की है। आप लकी हैं, हमने आधे घंटे पहले ही एग्रीमेंट साइन किया है। मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, तो जो आप प्रपोजल लेके आए हैं उसके लिए आपको मुझसे डील करना ही होगा। तो इनसे मिलिए, ये है लोकल इंडस्ट्री पार्टनर टर्की डायरेक्टर केमाल सोइद्रे। कितना बढ़िया इत्तेफाक है मिस्टर एमर। मिस्टर केमाल, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैंने कहा था ना कि वक्त कीमती होता है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो हम प्रोजेक्ट के बारे में बात शुरू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मिस्टर एमिर, उसके लिए ना सिर्फ आपको टाइम की जरूरत है पर मेरी भी होगी। मिस्टर कमाल, एमिर कोज़ुगुलो को किसी की जरूरत पड़ गई, ये तुम्हारी गलत फहमी है। और ये शायद इसलिए है क्योंकि तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं। Have a nice day. तो तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है अमीर? वही जो हमेशा करता हूं, अगर मुझे इज्जत ना मिले तो मैं लोगों की इज्जत उतार देता हूं। जरा संभल कर बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम बिल्कुल उन जैसे बनते जा रहे हो। मैंने आपके फैसलों को कभी नहीं बदला और ना ही आपको बदलने की कोशिश की। वैसे ही आप भी मुझे बदलने की कोशिश ना कीजिए। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने साइन नहीं किए और मुझे लगा कि हम मैनेज कर लेंगे। साइन करो। सुनो, मैं अपने सालों के तजुर्बे को तुम्हारे घमंड की वजह से इस तरह से बेकार नहीं जाने दूंगा। बेटा, तुम्हें उनके साथ काम करना होगा क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। हमें उनकी जरूरत नहीं है। तूफान अभी कुछ ही देर में नई कंपनीज की लिस्ट ले आएगा। तुम बात को कब समझोगे अमीर? तुमने बेकार में ही अपने घमंड में उस बिड को दुगना कर दिया और अब वो डील हमें महंगी पड़ रही है। जरा ठंडे दिमाग से काम लेना सीखो। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं नाकामयाब रहा डैड? मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हमें मुनाफा हो सकता था पर अब ये मुमकिन नहीं लगता और तुमने एक झटके में ये कदम उठा लिया और अब तुम्हें और एडवेंचर्स चाहिए। तुम उन लोगों को नाराज नहीं कर सकते जिनके साथ मैंने सालों से काम किया है। अगर तुम्हारी वजह से कंपनी को लॉस हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सही बोल रहा हूं ना? तो मेरे प्यारे बेटे एमिर, साइन करो। एमिर, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जिस मैदान पे तुम हुकूमत चला रहे हो उस मैदान का मालिक मैं हूं, याद रहे।
कौन है? किमल सोइदर है, कौन है ये? Yes, come in. अग्रीमेंट तैयार हो गया है मिस्टर कैमल, आप जैसा चाहते थे वैसा प्रोजेक्ट वो शुरू करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मिस्टर हकी, अग्रीमेंट साइन हो गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कमाल, उम्मीद करता हूँ सब ठीक रहेगा। सब ठीक होगा सर, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। एमिर कॉस जो अपनी अकड़ में हमारी काबिलियत को देख ही नहीं पाया, अफसोस है। एक तीर से दो निशाने, तुमने कोजुले से पैसे कम करवाए और उन्हें हमारे साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया, क्या बात है। आशू भी यही है, वो भी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती है। मेरी बात करवाइए उससे। हेलो केमाल, क्या बात है, तुमने बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सो मच आशू, उम्मीद है ये सबके लिए बेहतर हो। तुम वापस कब आ रहे हो? रुको रुको रुको, ये एक खास मामला है, जरा मुझे फोन देना। केमाल, अंकल बात करना चाहते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। बहुत अच्छा किया तुमने, ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते आशू, अपना ध्यान रखना। अच्छा वहाँ क्या चल रहा है केमाल? आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा मतलब तुम क्या करोगे, वहीं रुकोगे या वापस आओगे? हाँ, मेरे हिसाब से सब कुछ सही करने के बाद मैं कल लौट आऊंगा। पर एक बार दोबारा सोच लो। सोच लिया सर, पर उन्हें यहां मेरी जरूरत नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा। बहुत जल्द मिलते हैं सर।